दोस्तों, कई महीने से बेरोजगारी भत्ता पेंडिंग पड़ा है या फिर कुछ कैटेगरी का भत्ता आया है उसका जवाब डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल दिया है, उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। जब भी आपने मेरे से पूछा है कि भत्ता क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको हमेशा यही बताया कि बजट के अभाव में भत्ता नहीं आ रहा है। जैसे बजट होगा, आपका पूरा पेंडिंग भत्ता सबमिट कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और SC ST वाला भी जवाब डिपार्टमेंट ने दिया, आप देख सकते हैं। और बंद होने वाली भी एक खबर है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये जिला रोजगार कार्यालय अलवर की तरफ से बताया गया है कि बजट के अभाव में भत्ता अटका हुआ है। बाकी अगर डिपार्टमेंट के पास बजट नहीं है तो हो सकता है 1 अप्रैल से नया बजट जो सिस्टम है वो लागू हो जाएगा, तो उसके बाद आपके सारे पेंडिंग जो पेमेंट हैं अप्रैल में, आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी जितने भी पेमेंट रहेंगे वो सारे अप्रैल में कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्पष्ट जवाब दिया गया वो बजट का ही बताया गया है, और मैंने भी हमेशा आपको बजट का ही बताया कि बजट पास होते ही आपका भत्ता डाल दिया जाएगा। आप लोग अपने बिल पर ध्यान दें कि आपने जो आपका बिल है दिसंबर जनवरी का वो पास हुआ है कि नहीं। अगर आपका बिल पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके भत्ते में कोई समस्या है। जो बिल पास हो गए 100% उनका पेमेंट आता है। बाकी SC ST वालों को ये थोड़ा पक्षपात किया ही जाता है कि उनको भत्ता डाल दिया जाता है। अभी भी कुछ जिलों के दिसंबर जनवरी के SC ST के पेमेंट डाल दिए गए हैं भत्ते के, और जनरल के पेमेंट नहीं डाले गए जनरल OBC के, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसा वो करेंगे वो ठीक है, बाकी ऐसा नहीं, उनका जो पेंडिंग भत्ता है वो रह जाएगा जनरल OBC का, वो भी बजट होते ही डाल दिया जाएगा। तो बार बार आप जवाब मांग रहे थे भत्ता नहीं आया कब आएगा, तो ये उसका रिप्लाई ऑफिशियली आ गया है, जानकारी नहीं देने पर भत्ता हो जाएगा बंद। ये उनका है जिनको ट्रेनिंग अलॉट की गई है, जिन्होंने नौकर के ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, उनको भत्ता मिल रहा होगा 3 दिन से, लेकिन अभी जब ट्रेनिंग अलॉट कर दी गई है तो उनको अलॉट होने की जानकारी, ज्वाइन करने की जानकारी डिपार्टमेंट को देनी होगी कि हमने ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिए, तो उनका भत्ता कंटिन्यू रहेगा, वरना भत्ता बंद किया जा सकता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस सूचना में है। तो अगर आपको भी ट्रेनिंग अलॉट हुई है तो आप उसको ज्वाइन करें और उसकी सूचना डिपार्टमेंट को दें। बाकी चैनल पर जुड़े रहें, कोई अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी।